अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। आई एम योर टीचर शफ़क। आज हम मैथ की कॉपी का काम करेंगे। ओपन योर मैथ कॉपी, पेज नंबर 17। ठीक है, ये लिखा हुआ नीचे पेज नंबर 17। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स डेट लिखेंगे। डी ए का लिखा हुआ डेट, पहले मुझे ये बताएं। ये लिखा हुआ ऊपर डी ए टी ई डेट। ठीक है, चलें डेट लिखते हैं। आज क्या डेट है? आज डेट है 28। ठीक है, तो हम डेट लिख देंगे 2/8/28.7.2020। ठीक है, डेट लिख दी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, एन यू एम नम बी ई आर बर नंबर राइट नंबर आई एन एन राइट नंबर इन डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स राइट नंबर इन वर्ड्स। आई समझ? पहले तो हम पढ़ते थे 1 2 3 4 5, ये देखें ऐसे लिख देते थे 1 2, यहाँ लिखा जैसे 2 8 7 2 0, ऐसे लिख देते थे ना। लेकिन अब हमने उसे स्पेलिंग में लिखना है, स्पेलिंग के साथ लिखना है। ठीक है, नंबर इन वर्ड्स, नंबर ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है ओ एन ई वन। ठीक है, अब ये वन क्या बना हुआ है? वन बना हुआ ना, वन साहब, तो हमने ये करना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। और देखें यहाँ टू है तो टू बटरफ्लाइज बनी हुई हैं। 1 2, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 लाइन से टच करके ओ कैपिटल लेटर का, ओ एन स्मॉल ओ एन ई, ये देखें ऐसे करके, और फिर हमने यहाँ से ऐसे बना दिया ओ एन ई वन। फिर से लिखेंगे ओ एन ई वन फिर से लिखेंगे वन ओ एन ई वन, पढ़ते भी जाएंगे साथ साथ। ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना लिखना नहीं है, आपने पढ़ना भी है ताकि याद भी हो जाए साथ साथ। फिर से लिखेंगे 1 O N E 1, वेरी गुड। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद अब आते हैं 2 पर। किस पर? 2 पर। 2 लिखा लाइन के साथ टच करके, 2 बटरफ्लाइज बनी हुई हैं। T कैपिटल TWO2 लिख लिया ऐसे, ये देखें लाइन के साथ ये भी टच होना चाहिए बिल्कुल। फिर से 2 लिखा यहाँ पर TWO2 फिर दोबारा लिखेंगे 2 TWO2, टी कैपिटल और बाकी सब स्मॉल TWO2। अगेन 2 लिखा TWO2। आपने क्या करना है? सिर्फ नीचे नीचे लिखना है, सही है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कलर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कलर भी करना है, इसमें भी कलर करना है और इसमें भी कलर करना है। ठीक है, तो चलें। ये क्या बना हुआ है? ज़ेब्रा। तो ज़ेब्रा में कौन सा कलर होगा? कौन सा कलर का होता है ज़ेब्रा? ब्लैक एंड वाइट। वाइट कलर तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, लेकिन हम इसमें ब्लैक कलर कर देंगे। ठीक है, चलें ब्लैक कलर निकालें। ये रहा ब्लैक कलर। अब देखें जो इसमें सर्कल्स है ना, हम ऐसा करते हैं उसके अंदर सिर्फ ब्लैक कलर कर देते हैं, आराम आराम से, नीट एंड क्लीन। गंदा गंदा नहीं करना, नीट एंड क्लीन करेंगे आराम आराम से। देखो ऐसे, ठीक है, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, बिल्कुल लाइट लाइट, हल्के हल्के हाथ से करेंगे। अगर आप ज़्यादा प्रेस करके करेंगे ना, तो फिर ये गंदे गंदा सा कलर होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा।
ये देखें ऐसे, ठीक है। और पढ़ते भी जाएं, ओ एन ई वन, मेरे साथ साथ पढ़ें, ओ एन ई वन, ओ एन ई वन, ओ एन ई वन। और आपने एक काम और भी करना है, हर बार की तरह नीट नीट प्यारे प्यारे कलर करके काम करके फिर वो क्या करना है आपने, मेरे पास पोस्ट भी करना है, मुझे भेजना है पिक बनाकर, मामा को कहना है कि पिक बनाकर मुझे सेंड करें ताकि मैं देखूं कि आपने कैसी कैसा कलर किया है, नीट वर्क किया है या नहीं किया, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड, आपने ऐसे ही काम करना है जैसे नीट एंड क्लीन, ठीक है। जैसे मैं आपको काम बताती हूँ आपने वही वही काम करना है। देखो यहाँ पर भी कलर करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, डार्क डार्क कलर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे भी कलर कर दें, ऐसे एयर में भी कर दें इसके, ठीक। इसकी जो नोज है यहाँ पे भी कर दें, यहाँ पे भी जितने भी सर्कल्स नज़र आएंगे, जहाँ जहाँ सर्कल्स नज़र आ रहे हैं वहाँ वहाँ कलर कर दें जल्दी जल्दी से, शाबाश। उसके बाद क्या करेंगे, पढ़ें दोबारा से, ओ एन ई वन, ओ एन ई वन, ओ एन ई वन, कलर करती भी जाएं और पढ़ते भी जाएं, ठीक है। अभी हल्का हल्का से इसके लेग में कर देंगे, इतना इतना, सिर्फ इतना इतना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। और इसकी टेल दुम में भी कर देंगे, ये देखें ज़ेब्रा रेडी है। उसके बाद क्या क्या, देखो टू बटरफ्लाइज बनी हुई, कितनी प्यारी बनी है। अब बटरफ्लाइज में कौन कौन से कलर करेंगे, चलें सबसे पहले येलो कलर लेंगे, ठीक है। येलो कलर ये देखें, ये जो बाहर ये जो जगह है ना, यहाँ पे सारे में येलो कर देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से, येलो कलर कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ऐसे। और फिर यहाँ पर भी सेम इसी तरह से, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब हम कलर किस में कर रहे हैं, टू बटरफ्लाइज हैं तो हम पढ़ेंगे टू टी डब्ल्यू ओ, टू टी डब्ल्यू ओ टू, ऐसे। उसके बाद हम इसमें कर देंगे पिंक कलर, टी डब्ल्यू ओ टू, सर्कल्स में पिंक कलर करेंगे, टी डब्ल्यू ओ टू। ऐसे उसके बाद ये मिड में कौन सा कलर करेंगे यहाँ पर बताएं, कौन सा कलर कर सकते हैं हम, ब्राउन कलर ले लें, लाइट ब्राउन ले लें, डार्क ब्राउन ले लें, जो आपको अच्छा लगे। जैसे देखें मैंने लाइट ब्राउन किया है, ऐसे देखें कितनी प्यारी लग रही है। वैसे ही दूसरी बटरफ्लाई में जल्दी से कलर करें, टी डब्ल्यू ओ टू भी पढ़ते जाएं साथ साथ। ये देखें ये ऐसी लग रही है दोनों, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला काम करने के बाद, ठीक है, ओ एन ई वन टी डब्ल्यू ओ टू याद कर लिया, पढ़ भी लिया, कलर भी कर लिए, ये जब मैंने काम कर ली थी तो आपने जब किया ना, उसके बाद आपका होमवर्क क्या है, ये वाला पेज, नेक्स्ट पेज इज़ योर होमवर्क, पेज नंबर 18। तो आपने क्या करना, अच्छा वहाँ पे तो ज़ेब्रा एंड बटरफ्लाई बनी हुई थी, ज़ेब्रा एंड टू बटरफ्लाइज बनी हुई थी ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, या तो एक सर्कल बना दें, स्टार बना दें, वन स्टार, टू स्टार,
इजी, जो आपको इजी लगे आप बना दो, या एप्पल बना दो, वन एप्पल, टू एप्पल्स, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। अब आपने ये वाला काम घर से करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आपने ये नंबर इन वर्ड्स याद करनी है बहुत अच्छे से, ओ एन ई वन, टी डब्ल्यू ओ टू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।